हाय दोस्तों, अगेन वेलकम माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग तो जानते हैं कि मैं हमेशा इस चैनल पर आपको नई नई ट्रिक और एडवांस फीचर जो होते हैं किसी भी ऐप के या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह के, तो मैं उनको आपको एडवांस फीचर जो होते हैं उनके बारे में आपको हमेशा इस चैनल पर बताता हूँ। लेकिन अभी इस टाइम आप तो जानते हैं कि इस समय क्या है कि वीवो की जो है तो स्मार्ट सेटिंग जो रहती है, मतलब एडवांस फीचर जो रहते हैं वीवो फ़ोन के, तो उन पर मैं एक सीरीज बना रहा हूँ 10 पार्ट की। तो उसी में अपन 6 पार्ट तक तो मैंने वीडियो बना दिया है, आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको 6 पार्ट मिल जाएंगे। वहाँ से आप मतलब 6 पार्ट को देख कर बहुत सारा नॉलेज आप बिल्कुल आसानी से गेन कर सकते हैं। और उसी में अपन अब आगे बात करेंगे 7वें पार्ट की। तो ये क्या है कि दरअसल मैंने ये पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि यह बहुत सारे लोगों को वीवो के जो एडवांस फीचर होते हैं तो वो पता नहीं होते और वो सेटिंग जो है तो उनका वो यूज नहीं कर पाते, और यदि तो इसलिए मैंने सोचा उस पर एक वीडियो सीरीज बना दी जाए तो पूरे क्या फीचर्स भी आ जाएंगे और आपका नॉलेज भी हो जाएगा आपको, तो कैसे आपको उन एडवांस फीचर्स को यूज करना वीवो फ़ोन पर। तो चलिए आज 7वें पार्ट में अपन बात करते हैं स्मार्ट स्क्रीन फीचर्स की, मतलब कुछ सेटिंग में वीवो के ऐसे स्मार्ट स्क्रीन के जो फीचर्स होते हैं उनको आप कैसे मतलब बिल्कुल आसानी से अपने स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आप देखेंगे स्मार्ट मोशन में जाएंगे। आप स्मार्ट मोशन में जाने के बाद आप देखेंगे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ स्क्रीन। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैं आपको इनको बता रहा हूँ डिटेल में कैसे आपको इनकी यूज करना है। रेज टू वेक, मतलब जैसे आपका मोबाइल मान लीजिए बंद है, अभी मैं अगर इसको चालू कर रखा हूँ तो मेरा मोबाइल अगर हिलेगा तो ये ऑलरेडी चालू हो जाएगा। क्या मैं आपको बंद करके दिखा देता, लेकिन मैं बंद करता हूँ तो अभी मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसीलिए आप अभी करके देख सकते हैं। मैंने पूरे फीचर्स यूज किए हैं इसीलिए आपको मैं ट्रस्टेड बिल्कुल बता रहा हूँ। तो अभी जैसे आपका फ़ोन बंद है, मान लीजिए आप उसको हिला देते हैं तो आपका क्या है कि स्क्रीन चालू हो जाएगा। उसके बाद डबल क्लिक टू लाइट, मतलब जैसे ही आप जैसे बंद है आपका फ़ोन मान लीजिए, अभी आप डबल क्लिक करेंगे ब्लैक स्क्रीन पर तो आपकी स्क्रीन क्या है कि चालू हो जाएगी। उसके बाद स्मार्ट कीप ब्राइट, मतलब जैसे आप क्या है यदि इसको चालू कर रखते हैं तो आपकी स्क्रीन मतलब जैसे धूप ज़्यादा तो वहाँ पर आपकी क्या है कि अपने हिसाब से ये ब्राइटनेस क्या है एडजस्ट करता रहता है। तो ये तीसरा हो गया डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, मतलब जैसे आपको स्क्रीन अपनी बंद करना था, आप बटन का यूज नहीं करना चाहते, अपनी जो पावर बटन, तो आप मतलब यदि स्क्रीन पर अपनी डबल टैप करते हैं तो आपकी यह स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से ये 4 फीचर्स बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, आप इनका बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं। तो और इनका यूज करके आपके अपने फ़ोन को स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग तो जानते हैं अब नए नए फ़ोन आ रहे हैं उनमें क्या और ज़्यादा एडवांस फीचर हैं, तो यही ये क्या है कि एडवांस फीचर जो है अपने जितने ज़्यादा आप जितने ही नया फ़ोन लेंगे अब तो उनमें और ज़्यादा एडवांस फीचर आ गए हैं। तो ऐसे आप बिल्कुल आसानी से इन फीचर्स का यूज करके स्मार्ट तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। और आप तो जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।